अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नोशा डायरीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करें नोशा डायरीज़ के नाम से। तो चैनल के नाम के बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिखाई देगा, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने ये रेड बटन कर देना है प्रेस। तो सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, और साथ ही बना हुआ बेल का आइकन इसको आप कर देंगे प्रेस और आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के मज़ेदार से ब्लॉग का। तो वीडियो का आगाज़ जो है वो हमने किया है हमारे डेरे से, और वहाँ पे जो है हम लोग जो मानो सबसे मिलने गए थे, और फिर सुबह सुबह का टाइम था, और फिर वापस आके जो है ना हमने बनाई है एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए। और क्योंकि सर्दी आने वाली है, सर्दी बल्कि आ चुकी है और सीज़न शुरू हो रहा है गर्मा गर्म मछली खाने का, तो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे मज़ेदार बड़ी जो है वो जूसी फ़िश करी। तो फ़िश करी बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 1.5 kg मछली लेनी है। उसमें आपने जो है वो तकरीबन 1/2 किलो पानी जो है उसके अंदर थोड़ा नमक, अजवाइन और जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 चम्मच दही डाल के पेस्ट बना के उसको मछली के ऊपर डाल देना और मैरिनेट कर देना। तो अब हम अपनी फ़िश करी बनाने का तरीका जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ़िश को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया, और उसके बाद हम उसको कर लेंगे जी डीप फ्राई। और थोड़ी देर के लिए आपने फ्राई करके बोटियों को अलग रख लेना है। फिर हमने लेने हैं जी 3 अदद प्याज, और उनको कद्दूकस करके आपने उसका निकाल देना है सारा पानी। और आपने लेना है एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा वही, चाहे आपने जिस ऑयल में फ्राई की है मछली उसी को छान लें, और छानने के बाद आपने उसको इसी ऑयल के अंदर वो अपने 3 अदद प्याज जो है उनको कर लेना है फ्राई। उसके बाद आपने ऐड करना है तकरीबन 1 फुल चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और साथ ही आपने एक तरफ काट के रख लेनी है 3 अदद सब्ज़ मिर्ची और 2 बड़े टमाटर। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद प्याज़ों के साथ आपने क्या करना है, आपने जो साबुत धनिया होता है ना उसको आपने थोड़ा सा कूंडी डंडे के अंदर कूट लेना है, या आपने ग्राइंडर में थोड़ा पीस लेना है। और आपने वो दरदरा सा जो है ना वो कोरिएंडर जो है साबुत कोरिएंडर वो शामिल कर देना है, बल्कि उसको थोड़ा दरदरा कर लिए ना कूट के। फिर आपने वो जो टमाटर काटे हैं 2 अदद और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने वो शामिल कर देनी है। वैसे कुछ लोग मछली के अंदर सब्ज़ मिर्च नहीं भी डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। तो आपने फ़िश करी जो है ना उसको मज़ेदार करने के लिए उसके अंदर आप चाहें तो आखिर में दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दही नहीं था, खट्टा था काफ़ी दही, और हमने दही में ही पहले मैरिनेट किया हुआ था, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले को थोड़ा सा पानी लगा लेना है, और पानी लगाना है ताकि हमारा जो प्याज और जिंजर गार्लिक हैं वो ज़्यादा जो है वो अपना कलर चेंज ना कर पाए। फिर आपने जो है वो प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जो आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली थी उनको अच्छी तरह से भून लेना है पानी लगा के, और गलाने के लिए आपने स्पेशली पानी लगाना है। तो यहाँ पे बारी आती है जी, आपने जो पानी है उसको खासा खुश्क कर लिया, तो उसके बाद आपने मछली मसाले का एक पूरा पैकेट जो है ना, आजकल वो 40-50 का ये पैकेट मिलता है, या नेशनल का आप डब्बा ले रहे हैं अगर 1 kg फ़िश वाला, तो आप तकरीबन 1.25 डब्बा वो डाल दें।
तो आपने ये फ़िश मसाला ऐड करना है, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है इसके अंदर, मैंने नोट किया। इसमें मेथी भी डली होती है, खुश्क मेथी होती है ना। बाकी के ये सारे मसाला जात आपके सामने हैं, आपने तकरीबन 1/4 टेबल स्पून यूज़ करना है गर्म मसाला, आपने 1/4 रेड चिली पाउडर यूज़ करना है, आपने आधा चम्मच जो है ना वो दरदरी मिर्च यूज़ करनी है, आपने आधा चम्मच ज़ीरा यूज़ करना है, और आपने आधा चम्मच जो है ना वो 1/3 चम्मच जो है वो आपने हल्दी यूज़ करनी है, और सॉल्ट जो है ना वो आपने अपनी जितना आप लोग खाते हैं, हर बंदे के जो है ना वो घर में डिफरेंट जो है वो तरीके से सॉल्ट जो है ना डिफरेंट क्वांटिटी से खाया जाता है। और फिर आपने मसाले ऐड करने के बाद, ताकि आपके नाक में ना उन मसालों की एक जो है ना वो नमक चढ़े, उसके लिए आपने पानी शामिल कर लेना है ताकि आपका मसाला जले नहीं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लाइक का बटन प्रेस कर दें, और इसी के साथ ही आपने मसाले को ढक देना है ताकि वो पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखेंगे आपके सामने है मसाला हमारा, बड़ा अच्छा ही बड़ा फाइन हो रहा है, मुकम्मल भुन रहा है। और आपने ये श्योर कर लेना है कि आपने जो टमाटर और सब्ज़ मिर्ची है ना, ये अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले में शामिल हो जाएं। जी तो नॉर्मली मसाले में अगर कुछ चीज़ें ना गल सकें, जैसे टमाटर हो गए, सब्ज़ मिर्ची हो गई, तो मैं जो है ना ये यूज़ करती हूँ, आई डोंट नो कि इस इंग्रेडिएंट को क्या कहते हैं, बहरहाल ये जो है वो फिश का मसाला जो है उसको बारीक करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, किचन टूल ही है ये एक। और उसके बाद आपने जो मसाला है बारीक भुना हुआ, उसके अंदर आपने फ़िश जो है वो आपकी तली हुई डाल देनी है, और ऊपर से लगा देना थोड़ा सा पानी ताकि जो कसर लग गई है आपकी फ़िश में वो भी अच्छी तरह से गल जाए। आपने अभी स्टेज पे जो है ना वो बड़ा ही डेलिकेसी से फ़िश को हिलाना है, आपने ज़ोर ज़ोर से चमचे नहीं मारने हैं कि वो टूट जाए। तो ये देख सकते हैं कि जी हमारी फ़िश जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है, फ़िश करी। तो इसी के साथ ही आपने वक्फे वक्फे से उसको ढक के पकाते रहना है ताकि फिश बोटियां जो है ना वो अंदर तक गल जाएं। तो ये देख सकते हैं जी काफ़ी हद तक हमारा मसाला जो है ना वो उसका पानी खुश्क हो चुका है, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जी फ़िश हमारी तकरीबन भुन चुकी है, और भुनने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया, जो कि हर खाने की शान होता है, और हमारे देसी कल्चर में सब्ज़ धनिया जो है वो हम ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं हर खाने पर। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नहीं भी सब्ज़ धनिया यूज़ किया जाता, जैसे कि करेले हो गए हैं, जैसे कि भिंडी का सालन हो गया, तो उन पर सब्ज़ धनिया नहीं डाला जाता। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो कि सब्ज़ धनिया के बगैर बड़े ही अधूरे होते हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी यम्मी और साबित जो है ना वो पड़ी हैं हमारी बोटियाँ मछली की, और वो तैयार हो चुका है हमारा सालन। तो बहुत शुक्रिया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का, और बड़े दिन बाद मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई थी, आई होप आप सब ने इन्जॉय की होगी। इसी के साथ ही फिर से लाइक का बटन दबा दें जिन्होंने नहीं दबाया है आप, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।